भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी सरकार से विमान ईंधन पर वैट घटाकर 1% पर लाने की अपील की है। अगर ये घट जाता है तो विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन सस्ता हो जाएगा और उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा। इसके साथ ही यूपी वालों के लिए हवाई टिकट का दाम भी घट सकता है। सिंधिया का कहना है कि यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उत्तर प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे हटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करनी चाहिए। आपको बता दें कि सिंधिया ने अपील यूपी या कानपुर बेंगलुरु फ्लाइट लॉन्च के मौके पर की है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आगरा और बनारस को छोड़कर बाकी सभी जगहों के लिए ATF पर वैट, आगरा और बनारस में ये दर 4% है। अगर यूपी सरकार ATF पर वैट घटाकर 1% पर ला देती है तो ATF की कीमत घट जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकट भी सस्ता हो जाएगा। ATF का दाम एयरलाइनों की परिचालन लागत का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही ATF पर कर से ATF का दाम बहुत बढ़ जाता है। खैर, देखना होगा कि सीएम योगी इस बयान को किस तरह से देखते हैं। चुनाव से एन वक्त पहले सिंधिया का इस तरह से बोलना योगी को कितना अखरता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।